डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 तक मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग गौर से सुनिए और समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो 11th नंबर का क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ 3, 15, 27 और 39 ककता कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है? एक आप कंडीशन पकड़ के चलो कि मान लो कि 54वां पद कुछ होगा, इसका एपी का कोई 54वां पद होना चाहिए। जैसे मान लो A54 कुछ आएगा हमारा, ठीक है? एक्स मान लो कुछ आया, इससे A54 से कितना होगा, 132 अधिक, 132 अधिक होना चाहिए। तो ये कौन सा, मतलब कि ए एन पद मान लीजिए, ठीक है, 54वां पद से 132 अधिक कोई पद है उसको ए एन मान लेते हैं। तो वहाँ से अगर आप एन निकाल लेते हैं तो वो उतमा पद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन का फॉर्मूला होता, तो यहाँ से अगर एन निकल जाता हमारा, ए निकलेगा, डी निकलेगा, अगर एन निकल गया तो वो पद हो जाएगा। जैसे अगर एन 10 निकला तो 10वां पद, अगर ए 20 निकला तो 20वां पद। समझ में आएगी बात? तो वो क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? सॉल्यूशन 11th नंबर का है, एपी दिया हुआ, ठीक है, कितना है, 3, 15, 27 और 39, ये हमारा ए पी है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू कितना होगा, 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। कहता है 54वें पद से, ए 54 कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता। यहाँ से ए का वैल्यू 3 है और 54 में से एक गया 53 और डी का वैल्यू 12, यहाँ से 3 प्लस 12 36 की 6 हासिल 3, 12 5 60 3 63, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 639, ठीक है? ये तो ए 54वां हो गया। कंडीशन से, प्रश्न से क्या है, ए 54 प्लस 132 कौन सा पद है, मान लेते हैं लेट से ए एन पद है, ठीक है? तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 639 प्लस 132 इज इक्वल टू ए एन। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 9 2 11 3 3 6 1 7 6 1 7, और ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए अब, क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 771 प्लस ए का वैल्यू कितना है, 3 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है तो एन रख देंगे, डी का वैल्यू कितना, 12, जो कि ए बराबर यहाँ पे लिख देंगे 3 और डी का वैल्यू कितना, 12। अब यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा इधर, 11 में से 3 गया 8 6 768, एन माइनस वन इंटू 12। अब 12 से कट रहा, 4 से काटिए पहले 4 3 12 4 1 4 4 9 36 4 2 8, ठीक है, 9 3 12, 3 से भी कटेगा, 3 6 18 3 4 12, तो n इज इक्वल टू 65। अतः ए 65 वा पद ए 54 से 132 अधिक है। सिंपल था, ठीक है? आपको क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, ठीक है?
अब दूसरा क्वेश्चन, 12वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर डी इज इक्वल टू दोनों का सेम है। अगर मान लेते हैं एक ए पी ये है, जैसे एक ए पी 2, 4, 6, 8, ठीक है, और दूसरा है 10, 12, 14, 16, दोनों का डी बराबर है ना, 4 - 2, 2, 12 में से 10 गया 2, तो इस तरह का कोई ए पी है, अभी पता नहीं है। अब कहता है यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ए पता नहीं है, दोनों में से किसी का ए पता नहीं है, ठीक है, लेकिन डी पता है, डी दोनों का बराबर है, मतलब D1 = D2 = D। अगर ए पी पहला ए पी को का पद A1, A2, A3 है और दूसरा AP2 का यहाँ से कुछ नहीं, ऐसे भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे A के जगह पे कैपिटल ले लीजिए, ठीक है, तो A1 ले A2 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ, हाँ छोटा कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा D1 A2 - A1 इसके लिए बराबर होगा A2 - A1 पहले वाला के लिए। ये कंडीशन इस तरह से समझ में आ रहा। आपका था 100वें पद का, 100वां पद कौन सा होगा, A100 - a100 = 100। अब इसका क्या फाइंड करना है, A1000 - a1000 इज इक्वल टू वाट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कंडीशन समझ गए, क्वेश्चन अब बनाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन वही है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके समय पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है, ये सबको समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया। तो 12th माना पहला AP A1 A2 A3 so on एवं दूसरा AP AP2 मान लेते हैं कैपिटल A1 A2 A3, ठीक है। प्रश्न से डी सार्वअंतर समान है, मतलब इसका सार्वअंतर निकालेंगे, ए पी वन का निकालेंगे तो क्या होगा, A2 (a2 - A1) = D बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, एवं A100 - A100 = 100 है, तो क्या निकालना है, a1000 - a1000 = what। क्वेश्चन इतना तक आपको समझ में आया। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, A1 + 100 - 1 × D इतना होगा, इसमें क्या होगा, कैपिटल A1 + 100 - 1 × D = 100, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, A1 + 99D - Capital A1 - 99D = 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, Small A1 - Capital A1 = 100, ये हमारे पास आ गया। अब ये निकालेंगे, ठीक है, इसको फॉर्म ये इक्वेशन वन मान लेते हैं, कुछ भी यूज कर लेंगे बाद में।
अब ए थाउजेंड माइनस कैपिटल ए थाउजेंड इज इक्वल टू ए वन पहला पद होगा प्लस थाउजेंड माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता इसको कैपिटल ए वन प्लस थाउजेंड माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए वन प्लस 999 डी माइनस ए वन ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 999 डी ये और ये कैंसिल हो जाएगा ए वन स्मॉल ए वन माइनस कैपिटल ए वन और ये फॉर्मूला में इससे पहले क्या निकाल रखे थे हम लोग ने स्मॉल ए वन माइनस कैपिटल ए वन 100 है तो इसलिए यहाँ भी इज इक्वल टू क्लियर 100 समीकरण वन से ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है सिंपल क्वेश्चन था आपको सिर्फ उसका वैल्यू पुट करना है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन कहता तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य सात से विभाज्य तीन अंकों वाली संख्या तीन अंकों वाली कितनी संख्या सबसे पहले तो 30 नंबर सात से विभाजित सबसे छोटा तीन नंबर का तीन अंक का संख्या देखेंगे। ठीक है तो ये कैसे निकालेंगे जैसे 100 है हमारा इसमें आप सात से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा सात कम सात 30 सच्चों के 28। अगर तीन अंक का रखना है तो पाँच से पाँच बार में लगा देंगे तो थोड़ा सा जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है देखिए मैं बता रहा हूँ सच्चों के 28 दो बच गया मतलब कि दो ज़्यादा हो रहा 100 में दो ज़्यादा हो रहा अगर दो हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 98 98 सात से डिविजिबल है मतलब कि इसमें भाग लग सकता है लेकिन क्या याद रखना है तीन अंक की चाहिए तो तीन अंक की चाहिए तो ये वाला जो है इसमें अगर हम पाँच और जोड़ देंगे दो तो पहले से है और पाँच और जोड़ देंगे तो सात हो जाएगा ना तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा। देखिए सात से लगाएंगे सात के में सात 3 5 7 5 35 ये हो गया। ठीक है तो 105 तीन अंकों को सॉरी तीन अंकों की संख्याएं जो सात से विभाजित हैं ये होगा 105 105 में फिर सात जोड़िए 112 फिर सात जोड़िए 119 फिर सात जोड़िए कितना हो जाएगा 16 126 तो इस तरह से कहाँ तक जाएगा मतलब कि लास्ट वाला पद देखिए 999 है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको इसको सात से डिवाइड कीजिए सात एकम सात 2 बज गया 29 सात चौके 28 19 अब कितने नंबर में लगाए 7 × 2 = 14 5 ये पाँच एक्स्ट्रा हो गया अगर पाँच घटा देंगे तो हमारा तीन अंक का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा लेकिन वो सात से डिविजल होगा तो 9 9 पाँच घटाएंगे तो 4 तो इतना हो जाएगा। अब इसके संख्या निकालना है कितना संख्या n इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है चूंकि ये एपी में है इसलिए a इज इक्वल टू 105 d इज इक्वल टू 7 और an इज इक्वल टू 994। अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ से क्या हो जाएगा an 994 105 प्लस n को पता नहीं है n ही फाइंड करना है d का वैल्यू 7 क्योंकि 7 से डिविजिबल है सबका अंतर 7 है 105 इधर आएगा 14 में से 5 गया 9
आठ में से जीरो किया आठ, नौ में से एक किया आठ, ठीक है, एन माइनस वन इंटू सेवन। अब सात से कट जाएगा, ये ऑब्वियस कटेगा, सात एकम सात, सात दूनी चौदह, चार बज गया, सात सत्तर उनचास, तो एन इज इक्वल टू 128। तो अतः कितना संख्या हो जाएगा, तीन अंकों वाली कितनी संख्या सात से विभाजित है, 128। अतः 128 संख्याएं सात से विभाजित है जो कि तीन अंकों वाली है, लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 14th नंबर देखते हैं हम लोग, 14 नंबर क्या है, 10 और 250 के बीच चार के कितने गुणज हैं। एपी एक ऐसा मीडियम है जिसके में आप टर्म्स निकाल सकते हैं कि हाँ 1000 से लेकर के 5000 के बीच कितना संख्या होगा जो 10 से या 15 से या 5 से डिविजिबल होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का चैप्टर है जो कि आपको मतलब कि फाइंड आउट करता है बहुत सारा चीज़ को, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब रियल लाइफ में आप निकाल इसका यूज कर सकते हो। जिस तरह से मैंने बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि अगर आप मतलब किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं और आपका वेतन हर ईयर बढ़ रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ 10 साल बाद मेरा क्या होगा, सैलरी क्या होगा। उसी तरह से किसी किसी कंपनी में किसी किसी बैंक में इस तरह का होता कि हाँ वृद्धि हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि हो रहा है कि हाँ 5% का ग्रोथ हो रहा हर ईयर हर ईयर, तो 10, 15, 20 साल में कितना ग्रोथ होगा। तो ये सब जो फाइंड आउट करना होगा तो इसी में आएगा, ठीक है। देखते हैं 14वां नंबर का क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच बोला ना चार के कितने गुणज है। अब देखिए 14th, 10 और 250 इसके बीच में है ना, तो चार का गुणज है, ठीक है, तो ये हमारा 10 तो मतलब कि चार से नहीं कटता है, तो नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा क्या होगा जो चार से कटता होगा, 12 होगा, ठीक है। और ये 250, 250 चार से कटता है, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में दो डिजिट चार से डिविजिबल नहीं है। अगर ये नहीं जानते हैं डिविजिबल का तो आप देख सकते हैं, या अगर आपको और डाउट है तो आप मेरे से बोल सकते हैं, मैं आप उस पर वीडियो बना दूंगा डिविजिबिलिटी पे। तो इससे छोटा वाला कौन सा होगा, देखिए आपको बताया था मैं, अगर ऐसा हो तो आप जिससे आप जिसका फाइंड आउट करते हैं उससे डिवाइड कीजिए, चार छके 24, चार दूना 8। अगर आप दो इससे निकाल देते हैं तो ये नंबर जो है 248 जो होगा ये चार से डिविजिबल होगा। तो हमारा एपी कौन सा हो जाएगा, एपी हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 12, 16, 20, कॉमा 248। ये प्रश्न से लिख लेते हैं ताकि कंडीशन आपको पता है, प्रश्न से एपी, ठीक है। यहाँ ए इज इक्वल टू 12, एन पता नहीं है, एन निकालना है, ए एन इज इक्वल टू 248, डी इज इक्वल टू 4 क्योंकि 4 का ये है, एन इज इक्वल टू व्हाट, सूत्र से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया हुआ हमारा 248, ए दिया हुआ 12 प्लस एन नहीं पता इंटू डी, सॉरी डी 4, तो यहाँ से
236 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू फोर, चार से कट जाएगा ये, चार पंच बीस, चार नवा छत्तीस, एन इज इक्वल टू 60। तो मतलब कि कितना पद हो जाएगा, 60 पद हो जाएगा इसके बीच में, ये आंसर हो गया 15 नवा। एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां, ये एक समांतर श्रेणी दे दिया है और ये दूसरा एपी दिया हुआ कि एनवे पद बराबर होंगे, दोनों का एनवा पद बराबर होना चाहिए, मतलब कि इसका ए एन इज इक्वल टू इसका ए एन, दोनों बराबर होगा, सिंपल फॉर्मूला लगा करके एन निकाल लेंगे, है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, दिया है एपी वन इज इक्वल टू 63, 65, 67, ये है एपी टू बराबर नहीं लिखना, ये 3, 10, 17, ठीक है। प्रश्न से ए एन मतलब कि ए वन एन और ए टू एन, सॉरी ये टू जो है एपी के लिए है, ठीक है, ये पहला जो है पहला एपी के लिए, टू जो लिखे हैं दूसरा एपी के लिए, तो यहाँ से ए ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन पहला एपी के लिए, ठीक है, और इसमें ए टू, ई टू दूसरा टर्म नहीं है, पहला टर्म ही है, लेकिन टू जो है सफिक्स लगाए हुए हैं, मतलब कि दूसरा एपी के लिए, प्लस एन वन एन माइनस वन इंटू डी टू, डी टू बोले तो दूसरा एपी के लिए, ये समझना है। अब देखिए पहला पहला एपी के लिए पहला पद क्या होगा, 63, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 65 माइनस 63 दो हो जाएगा, यहाँ ए टू कितना हो गया, 3 हो गया, एन माइनस वन इंटू डी टू कितना होगा, 10 में से 3 गया 7, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ से 61 हो जाएगा प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n, n को एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर को एक तरफ लेके आएंगे, 61 ये माइनस 4 है इधर आएगा तो 65 हो जाएगा, 61 4 65, 7n ये उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, इसलिए 7n माइनस 2n 5n हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल, तो n का मतलब कि दोनों का जो है 13वां पद जो है ap का वो बराबर होगा, अतः 13वां पद के लिए दोनों एपी का पद बराबर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड पे वीडियो बनाऊं या बोर्ड पे आप मतलब देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका मैं देखूंगा बोर्ड पे किस तरह से ये करना है, ठीक है। और लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, हर एक चैप्टर को दो बार बनाइए, एक मैथ को आपको दो बार कम से कम कंप्लीट करना है, तभी आपके माइंड में ये आएगा।
ठीक है, आइडिया आएगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए तो हाँ आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कभी भी, क्योंकि आप लोग जब भी मतलब कि नया चीज़ सीखते हो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप लोग करेंगे, ध्यान से मैथ को पढ़ना है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो आप उससे जुड़ सकते हैं। उस पर सारा नोटिफिकेशन, बहुत सारा एडिशनल चीज़ भी आप उस पर अपलोड करता हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।